वेल द पीपल वर्सेज एमिली ब्लॉन्स के एपिसोड 3 ये एपिसोड को कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की, जहाँ पे पूरे एपिसोड में एमिली ब्लॉन्स का केस लड़ी जेनिफर वॉल्टर लोगों के लिए उसका रवैया दिखाई देता है, जहाँ पर जेनिफर वॉल्टर डेट करती है एक शेफ शिफ्टर से जो एक गैस गार्डियन रहता है, और मेगन थी और शी हल्क का डांस, उफ मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार। ये मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था शी हल्क से, और जब एपिसोड 3 देखा तो मैं समझ चुका हूँ ये सीरीज टाइम पास के लिए है। और देखो यार, इस एपिसोड में काफी लोगों का कैमियो था, पर एपिसोड 3 इतना कमजोर हो सकता था ये नहीं सोचा था। और तो एपिसोड में ये भी क्लियर नहीं किया है कि सीरीज का मेन विलन कौन है, पर जो भी है बहुत शातिर है। शियल से लड़ने के लिए ऐसा चुतियों लोगों को भेजा जो एसगार्डियन टेक के साथ, ताकि ज्यादा शक ना हो कि ये लोग ने न्यू एसगार्ड से ही चोरी किया है। पर खैर, अभी तो बहुत एपिसोड बाकी है, विलन के बारे में बाद के एपिसोड में देखते हैं कि एक्चुअली में मेन विलन कौन निकल के आता है। और रही बात एपिसोड 3 की, तो ज्यादा रेफरेंस और ईस्टर एग नहीं दिखा, पर वोंग के बारे में बहुत कुछ वोंग का लिंक्ड प्रोफाइल बताता है। फोर्थ वॉल का ब्रेक से ही एपिसोड थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, चाहे वो चलती कार में हो या फिर शियल बन के कोर्ट रूम का सीन। थोड़ा अटपटा लगता है पर केसी ऐसा रहता है, लेकिन ये एक फिक्शन शो है तो कुछ भी दिखा दो ऑडियंस को घंटा नहीं फर्क पड़ता है, पर इन रियल लाइफ कोर्ट में बड़े बड़े लोगों का हालत खराब हो जाता है। तो इसकी स्टोरी भी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पे ये खत्म हुआ था। जेनिफर वॉल्टर को सेंची के क्लिप में अबोमिनेशन पे सवाल उठना स्टार्ट हो गया है कि कैसे अब अबोमिनेशन को ये डिफेंड करेगी। तब अबोमिनेशन जेनी को बताता कि वो सब वोंग के कहने पे किया। और दूसरी तरफ ब्लोंस्की का चक्कर मेगन थी स्टालिन से रहता, जो एक्चुअली में एक लाइट एल्फ निकलती है, और न्यू एसगार्ड से रहती है जो एक शेफ शूटर रहती है, और उसने $175 का चूतिया काटा था। वोंग की एंट्री मारता है और वो वोंग एडमिट करता है कि अबोमिनेशन सच बोल रहा है, और शियल वोंग को अबोमिनेशन परोल पर विटनेस के तौर पर चाहती है, और वोंग ये एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दूसरी तरफ शियल पे झूठे आरोप भी लगते हैं कि शियल का अवेंजर ने रिजेक्ट कर दिया है और शियल का अबोमिनेशन की अब मां बनने वाली है। बताओ यार, अब एमसीयू में भी फेक न्यूज दिखाया जा रहा है। तो एमिली ब्लॉन्स के परोल बोर्ड के टाइम में एमिली ब्लॉन्स के से सवाल पूछता है कि सोसाइटी अब तुमको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, और परोल बोर्ड के सामने एमिली ब्लॉन्स के सरल भाषा में अपने आप को कसूरवार मानता है, और एमिली ब्लॉन्स के खुद पर कंट्रोल करना सीख चुका है। तभी बलोंस के कुछ लोगों को समझाता है कि लाइफ में ज्यादा टेंशन हो तो बलोंस के पास जाता है। तभी वोंग वहाँ पे आता है और वोंग सारा मामला परोल बोर्ड को बता देता है। एमिली बलोंस को बेल मिल जाता है, और लेकिन तुम लोगों ने ये नोटिस किया कि नहीं कि अबोमिनेशन काफी अच्छा बात करता है, और हल को देखोगे तो वो थोड़ा तोड़ के बात करता है, और कहीं मेरे को लगता है कि ये सब आने वाले एमसीयू में हीरो बन ही जाएगा। खैर, पर जेनिफर वॉल्टर काफी अच्छी लॉयर है, परोल बोर्ड के सामने अबोमिनेशन को जबरदस्त डिफेंड करती है जब तक वोंग नहीं आता है। तो बेल मिलने पर अबोमिनेशन जेनिफर को एडवाइस देता है कि वो सब कुछ जाकर के मीडिया में सब कुछ सच बता दे। मीडिया तो मीडिया है, शुरू हो जाते हैं सवाल और उसके जवाब देना। फिर इसका एंडिंग मेरे को लगा था कि अच्छा होगा, उसको भी बहुत ही एंटरटेन करते हुए दिखाया। जो भी नौसिखिए लोग अजीब हथियार से अटैक कर रहे होते हैं शियल पे, नौसिखिए लोग को ये तक नहीं पता होता कि हथियार कैसे काम करता है, पर जो भी है वो शियल का ब्लड लेना चाहता था। तो इस एपिसोड में दो केस चल रहा होता है, एक ब्लॉन्स्की का और दूसरा है जेनिफर वॉल्टर का। देखो सीजीआई का ये एपिसोड में काफी बुरा लगता है, और साथ ही इस एपिसोड में कुछ खास और इम्पोर्टेंट वाला बात नजर नहीं आया मेरे को, और यही चलता रहा तो एपिसोड में मजा नहीं आया। उसके डायरेक्टर ने ये भी बोला है कि ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रखने के लिए शियल से, एपिसोड में आखिर कब तक इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होगा यार। मेरे को पता है कि ऐसा कोई भी सीरीज नहीं है जिसमें कोई भी एपिसोड एवरेज ना निकले, ये हर सीरीज में होता है। कोर्ट रूम सीन को सीरियस दिखाया जा सकता था, पर उसको कॉमेडी करके दिखाया। रही बात इसके कैमियो की, तो मेगन थी स्टैलिन का कैमियो इस एपिसोड का बेस्ट कैमियो लगा। भले ही इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके इंडियन ऑडियंस का रिएक्शन कुछ अलग होगा, पर जो भी था मजा आया। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है भाई, अभी तो पूरा 6 एपिसोड बाकी है, और अपन को पता है कि कुछ एपिसोड ऐसा होगा जो पूरा हदें पार कर देगा। तो चलिए यार, एपिसोड तो ज्यादा मजा नहीं दिया, पर पता है ये एपिसोड देखोगे ना तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, ये बात खुद तुमको एपिसोड बताएगा। ओवरऑल मेरे को लगता है कि सुपरमैन लॉ डिविजन में ज्यादा इसी टाइप का केस आने वाला होगा शियल्क में, और कोई ऐसा केस आएगा जिसके कारण शियल्क अटॉर्नी लॉ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, और ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इस एपिसोड को देख के बोल सकते हैं कि ज्यादा रेफरेंस तो नहीं था, पर वोंग को ये बोलते हुए देख सकते हैं कि वोंग भी मेमोरी स्पेल यूज किया है, क्योंकि वो खुद लिंक्ड प्रोफाइल में बोला है कि 11 साल तक वो लाइब्रेरी में काम करता था, और वो हम सब जानते हैं कि कामताज के लाइब्रेरी में कितने टाइप की किताबें मिलती है, और ये पॉसिबल हो सकता है। देखो इस एपिसोड के बारे में यही बोलूंगा कि ये बेटर हो सकता था, क्योंकि शियल पे वो पोटेंशियल है, और उसका कैरेक्टर एमसीयू के लिए जबरदस्त कैरेक्टर हो सकता है आने वाले एमसीयू मूवीज में। ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट सीरीज है, क्योंकि मार्वल को पता है कि कौन से सुपर हीरो को थिएटर में देख के मजा आएगा और कौन से सुपर हीरो को टीवी में देख के मजा आएगा, और ये बात ऐसा मार्वल खुद बताया शियल के इस वाले एपिसोड में कि ऑडियंस का टेस्ट एंड गेम के बाद से बदला है। आई होप सो कि नेक्स्ट एपिसोड अच्छा होगा, और मेरे को पता है कि अच्छा होगा। तो आज शियल के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर अच्छा है लगा तो एपिसोड बताओ कमेंट करके कि तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस एपिसोड के बारे में, और ये दोनों वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, और तब तक मेगन थी स्टेलिन और शियल का डांस एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।